सेटल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ हैकने, जो कि स्टैटफोर्ड के पास, और अभी देखते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे रेस्टोरेंट हैं, तो चलते हैं वहीं पे। आज पूरा सनी डे था, बट फिर से बादल आने लगे हैं, तो सुबह सुबह धूप आई थी तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, कहीं पे जाते हैं। अब आ चुकी है बारिश, काफ़ी सही सा एरिया है, यहाँ पे पब रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। भैया देखो पूरे काफ़ी अच्छा आर्ट है। तो ये सीढ़ियाँ हैं और ये जो दिख रही है ये साइकिल, जो साइकिल लेके आया भाई भी साइकिल लेके निकल गया, तो इससे इनसे साइकिल तुम ऊपर ला सकते हो। ये जो कनाल है इसमें बहुत सारी बोट्स हैं, समर्स में लोग लेते हैं और इसी में रहते हैं, बहुत सारे लोग रह भी रहे होंगे, ये लोग इनका परमानेंट घर ही होता है वो एक तरीके का। और इस तरह काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। शायद मंडे की वजह से काफ़ी कम रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पर देखते हैं। धूप आ गई थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये सीन है कि थोड़ी देर धूप, थोड़ी देर छांव, थोड़ी देर बारिश, कुछ दिनों बाद समर्स में टोटली धूप आने लग जाएगी, तब तक का ऐसे ही चलना पड़ेगा। हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में और ये देखो इनका बार, यहाँ पे बार है, बट हम खाना खाने आए हैं। बाओ मैक्सिकन, फिलिपिनो और ऊपर सिटिंग, एक खंडर सा है बट अच्छा सा रेस्टोरेंट बना दिया है, सिटिंग से है, समर कैनाल व्यू, यहाँ पे सीटिंग्स है, इसके ऊपर भी सीटिंग है। नाचोस, तो हमने ले लिया नाचोस और नाचोस पे इतने काफ़ी भर भर के गाँव का मल्ले दे रखा है, जो कि बढ़िया है। बोट जा रही है देखो, बढ़िया कैनाल ही कैनाल, और एक बोट को दूसरी बोट खींच रही है। ये एक्चुअली घर है, इसके अंदर लोग रहते हैं, आज यहाँ मूड नहीं है तो कहीं और जाके रहेंगे, आज चेंज कर सकते हो। अभी हम बोट के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अभी तो कोई रह नहीं रहा है, बट एक बोट ही जा रही है, और इसमें ही घर है,
देखो किचन विचन बना हुआ है, बढ़िया अपना। इसमें ये है कि आज यहाँ नहीं रुकना, आज कहीं और रुकना है तो वहाँ जा सकते हैं, कहीं भी लेके चल दो और कहीं भी लगा दो, अपने घर की लोकेशन बदल सकते हैं। एक और बोट आ रही है, ये चीज़ अभी अपनी बोट को लेके जा रहे हैं। चलिए, और एक चीज़ और है, ये जो बोट है इसके ऊपर एक सेटिंग लगा रखी है, तो ये रेस्टोरेंट है। बोट के ऊपर सीटिंग लगा दी है और रेस्टोरेंट बना दिया है। एक बोट है, दरवाजे बंद है अभी, यहाँ पे कुछ कुछ लगा रखा है, इसमें जो लाइट्स होती है सोलर यूज करते हैं मोस्टली, और वो छोटी थी और ये थोड़ी बड़ी है इससे। यहाँ पे सारी बोटें हैं पर ये समझ में, सब इधर उधर ले जाएंगे, जिस जिसकी बोट होती है वो लेके आ जाता है और रहने लग जाते हैं, जैसे इस पर रह रहे हैं। इनकी ये वो लगा रहे हैं, थोड़ा सा जूस पी रहे हैं, ये टेढ़े हो गए हैं थोड़े से। और ये ओवर ग्राउंड जाते हुए यहाँ पे लोग हेल्थ को लेके काफी ज्यादा एक्टिव है। देखो भाई, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। इसमें काम चल रहा है, इस बोट में काफी अच्छा सा लगा है, और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है रेस्टोरेंट। यहाँ भी लोग रेस्टोरेंट इवन मंडे को भी फुल है, व्यू काफी अच्छा है, दीवारों में पेंटिंग कर रखी है। हीरो तो मोस्टली मेरा ऑफ मंडे ही होता है, तो आज मंडे में भी फुल है यहाँ पे जगह, तो इट मीन्स कि थर्सडे वीकेंड्स तो काफ़ी ही अच्छा खासा भरा होता होगा। पर दिन में धूप आई थी, 14 डिग्री था, मेरे को लग रहा है अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा, और अभी शायद 7-8 डिग्री हो रहा होगा। काफ़ी अच्छी अच्छी किनारे हैं यहाँ से, हमें शायद रोड पे जाना है, रोड से देखते हैं। अब समर्स आ गया तो अच्छा लगने लगा है, विंटर्स में क्या होता है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है और तुम 4 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते ना। अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहा है, 6:30-7-8 बजे अंधेरा होगा। प्लेन दिल्ली जा रहा हुआ, जाएंगे जल्दी घर जाएंगे। अभी हम थोड़ा मेन रोड में आ गए हैं, पूरी रोडें रंगी हुई हैं, पूरी पेंटिंग का पूल सा लग रहा है यहाँ वालों के लिए, एकदम सारा कुछ पेंट कर रखा है, आर्ट बना रखे हैं, डिजाइन बना रखे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये यहाँ की लाइम साइकिल जिसको तुम हायर कर सकते हो, इसको इसमें लगाओ, स्किन कोई रिंग छोड़ गया है, इसको स्किन करो, कैसे कर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले हम उस तरफ से और इस तरफ आ गए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सनसेट हो रहा है।
रेस्टोरेंट भाई यहाँ तो हजारों लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सा इलाका है और ये एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो रहा है। वो भाई सिक्योरिटी में होगा तो अपना वो लगा रहा है। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और लाइटें वाइटें जल गई, काफ़ी सुंदर लग रहा है। खाली इसलिए है क्योंकि आज मंडे है, मंडे तो कौन ही आता है, और वैसे भी ईस्टर चल रहा है तो भीड़ नहीं होती, पर यहाँ पे मोस्टली वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ होती है। कभी वीकेंड्स में आएंगे तो दिखाएंगे। और यहाँ से प्लेन किधर गया ये, अभी मैं जा रहा हूँ घर को। और अभी देखो यहाँ उजाला है, कभी ठंडियों के टाइम पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है, बट अभी 7:30 तक उजाला है, तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा 8-9, तो जब सारी पूरी समर आ जाएगी फुली फिर देखना, तो 9 बजे तक अंधेरा होता ही नहीं है। तो वही हम अभी घर को जाता हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त। देखते रहिए आप और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द बिली हिल्स। बाय बाय। बस स्टेशन में घर को जा रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ की दिखाता हूँ, बस स्टेशन में इतना साफ है कि जैसे कि पोछा लगाया होगा। बस यही है, खैर यहाँ पे कोई पॉल्यूशन भी नहीं है इतना, तो इस वजह से